हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स के क्वेश्चंस करेंगे आदि शर्मा से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड्स पे भी आए हुए क्वेश्चंस हैं कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, देखो ये हमें एक सेक्टर गिवन है और ये लास्ट ईयर सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। आर हमें गिवन है, आर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा हमें गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। और हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे? सोचो जरा जल्दी से, कैसे निकालोगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर? सेक्टर का पैरामीटर निकालना है। ठीक है, देखो भाई, पैरामीटर का मतलब क्या होता है? सारी साइड्स का सम, यही मतलब होता है ना पैरामीटर का। तो OA प्लस OB प्लस आर्क ऑफ AB, यही होगा ना पैरामीटर ऑफ सेक्टर। दैट इज इक्वल टू OA प्लस OB, लेंथ ऑफ OA प्लस लेंथ ऑफ OB प्लस आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए बी। ठीक है, ओ ए कितनी है? दैट इज आर, ये भी आर है। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो आर प्लस आर मतलब आर प्लस आर, आर की वैल्यू हमें पता ही है 10.5। 10.5 प्लस 10.5 प्लस थीटा कितना है? 60। 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 10.5। ठीक है, 10.5 प्लस 10.5 कितना हो गया? ये हो गया 21 प्लस 60 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स। ठीक है, ये डेसिमल हटाया 10, 7 से ये कैंसिल होगा 15। ठीक है, और ये 3 और ये आ गया हमारा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 6 2 टाइम्स और 2 से ये 11 टाइम्स, मतलब 21 प्लस 11 आ गया एंड दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर, राइट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये आता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज 5/36 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स हमें क्या गिवन है? ये थीटा, थीटा हमें निकालना है, मतलब एक्स हमें निकालना है जो कि थीटा है। ठीक है, देखो हमें क्या गिवन है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ओ ए पी बी इज 5/36 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल, राइट? एरिया ऑफ सेक्टर का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है जल्दी से बताइए? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन यह है कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी दैट इज इक्वल टू 5/36 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5/36 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों साइड पाई आर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सीधा कैंसिल कर दो। थीटा कितना है? एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है? एक्स, तो एक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 5/36 इंटू 360, राइट? ये कैंसिल हो गया 10, तो देयरफोर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 डिग्री, राइट?
ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, 1 मार्क में भी आ सकते हैं और 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। देखो जब क्लॉक की जो मिनट हैंड होती है उसकी लेंथ हमारी किसके इक्वल हो जाती है, वो हो जाती है हमारे रेडियस के इक्वल, ठीक है। और तुमसे पूछे 35 मिनट्स में, तो भाई रेडियस ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड, सो दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया रेडियस, ठीक है। और तुमसे पूछे फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट। देखो क्लॉक तुम्हें पता है, ठीक है, क्लॉक में टोटल मिनट्स कितनी होती हैं, 60 होती हैं, ठीक है। और 60 मिनट्स में मतलब पूरे एक राउंड में वो कितना एंगल कवर करती है, 360 डिग्री ना, पूरा एक राउंड जब वो चल रही है तो 360 डिग्री एंगल कवर करेगी। कुछ इस तरीके से समझ लो कि ये हमारी हैंड हो गई, ठीक है ना, सॉरी क्लॉक हो गई, और क्लॉक में हमें क्या बोला है 35 मिनट्स में, ठीक है, ये हमारा जीरो है और 35 मिनट कुछ यहां पर ये आ गई, ठीक है। तो ये जीरो है और ये हमारा यहाँ पर 7, कुछ इसी तरीके से होता है ना, 12 होता है यहाँ पर 12, और ये वाला पोर्शन हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। तो भाई एंगल कवर्ड इन 35 मिनट्स इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल कवर्ड मतलब एंगल कवर्ड इन 35 मिनट्स दैट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल 360 डिग्री करता है, 35 मिनट में निकालना है, 360 में कितने मिनट्स में 360 करता है, 60 मिनट्स में, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 35, मतलब सिंपल सी चीज याद कर लो कि 360 अपॉन 60 जो हमारा ये आता है 6 डिग्री, ये 1 मिनट में कवर करता है, 1 मिनट में कवर करता है 6 डिग्री, ठीक है। तो 35 मिनट में जो थीटा हो जाएगा वो कितना आ गया, 6 into 35 दैट इज 210 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ फेस ऑफ क्लॉक, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 210 अपॉन 360 इंटू 22/7, और आर कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 into 12, और इसको तुमने सॉल्व करना है। ये देखिए कैंसिल हो गया, 7 से ये आ गया 3, ठीक है, 12 से 36 थ्री टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 22 into 12 दैट इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये भी 2020 में हमारे बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमारा सेक्टर है। तो तुम्हें पता है कि मैंने पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद कर लो भाई, दो रेडियस होते हैं आर प्लस आर मतलब कि 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, इसको याद कर लो, ठीक है। एक रेडियस दो रेडियस मतलब 2 इंटू रेडियस प्लस
लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अब तुम्हें पता है कि आर कितना है, आर हमारे पास है आर इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर और पेरीमीटर पूरा का पूरा हमें गिवन है 16.4, पेरीमीटर गिवन है हमें 16.4, ये क्या गिवन है, पेरीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आ गया 16.4 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू आर की वैल्यू डाल देंगे 5.2 प्लस थीटा कितना है, थीटा हमें गिवन नहीं है। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। 16.4 इस 2 इंटू 5.2 ये कितना आ गया 10.4, इसको हम इस साइड ले आएंगे माइनस 10.4 दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अभी मैं देखो इनकी वैल्यू नहीं पुट कर रही हूं, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा इजीली। ये कितना आ गया 6 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 360 अपॉन 2 पाई आर, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहां पर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है पूरी की पूरी ऐसी 6 इंटू 360 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, इंटू अपॉन में क्या है 360 इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने वैल्यू क्यों नहीं पुट करी थी, 360 से कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 3 आ गया। ठीक है, और इस एक आर से ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 3 आर। अब आर की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 3 इंटू 5.2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 2 6 एंड 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक वायर का पीस है जिसको बेंट किया गया है, जो कि एक आर्क की तरीके से बन जाता है। ठीक है, अब ये पीस ऑफ वायर, ये पीस ऑफ वायर है, ये जो है ये हमारा पीस ऑफ वायर है। ठीक है, इसकी लेंथ हमें पता है, तो भाई ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी ना। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ये 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू 22। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 60 दिस वन। ठीक है, अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू 22, देन आर इज इक्वल टू 22 इंटू 360 अपॉन 60 इंटू 2 पाई। 60 से कैंसिल हो गया 6, इससे ये कैंसिल हो गया 3, तो ये हमारे पास आ गया 66 अपॉन पाई सेंटीमीटर, ये हमारे पास आर आ गया। ठीक है, आर ही हमें निकालना है देखो, और आर की वैल्यू में पुट करनी है, तो आर इज इक्वल टू 66 अपॉन 22 इंटू 7। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 3, और आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है,
ये देखो, ये हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है, थोड़ा इतना क्लियर नहीं है, और दिस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन करके तुम्हें समझा देती हूँ कि ये देखो, ये हमें गिवन है इस तरीके से, और इस पूरे एरिया का हम शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो भाई देखो, इस 14 सेंटीमीटर के ऊपर ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है, इस 7 सेंटीमीटर के ऊपर ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है, और इस 7 सेंटीमीटर पे भी एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, राइट, दैट इज इक्वल टू 1/2 πr², ठीक है। साइड में फॉर्मूला लिख देना चाहिए, सही रहता है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 πr². तो 1/2 π × r कितना है यहाँ पर? 14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस इंटू 1/2 × π, और यहाँ है 7 का स्क्वायर, राइट। तो देखो, π/2 कॉमन ले लो, अंदर रह गया 14 का स्क्वायर प्लस 2 × 7 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देते हैं। π/2 ये हो गया 196, प्लस 49 प्लस इंटू 2 दैट इज 98, ठीक है। सो अब पाई की वैल्यू डाल देते हैं, 22/7 इंटू 2, 196 प्लस 98 कितना हो जाएगा? 196 प्लस 98 आ गया हमारे पास 49/294, ठीक है। सो 2 से ये 11 आ गया, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 and 2 दैट इज 11 × 42, एंड ये मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 462 cm², दिस इज द आंसर। बहुत क्वेश्चंस टफ नहीं है, बस थोड़ी सी बेसिक्स पता होनी चाहिए, उसके बाद इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनट हैंड पे क्वेश्चन है। अगेन, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 2 cm long, ठीक है। मिनट हैंड की जो लेंथ है दैट इज 2 cm, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 7 am and 7:15 am, ठीक है। 7 am और 7:15 am के बीच में कितना एंगल, वो पहले तो एंगल ही निकालेंगे तभी एरिया निकलेगा ना, ठीक है ना। तो देखो, आर कितना हो गया यहाँ पर? आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 cm long हो जाएगी, जो हमारी लेंथ ऑफ मिनट हैंड होती है वही हमारा रेडियस होता है, राइट। और अब हमें निकालना है थीटा, 7 और 7:15 के बीच में जो एंगल होगा, एंगल इन 1 मिनट कितना होता है भाई? 360/60 कितना आ जाता है? ये हो जाता है 6 डिग्री। तो यहां पर 15 मिनट में, ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 × 15, ये हो गया 90 डिग्री इन 15 मिनट्स, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अब तुमसे क्या बोला है? एरिया ऑफ फेस ऑफ क्लॉक, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू थीटा / 360 × π r²,
ठीक है, तो थीटा कितना है 90/360, इंटू पाई कितना है 22/7, इंटू आर है 2 × 2, दिस इज 4, एंड इस 2 और 2 से ये 4 कट गया, तो हमारा आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? मतलब मिनट मिनट के, मतलब क्लॉक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, और मेरे ख्याल से मैंने अब सब तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें करा दिए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन द फिगर टू आर्क्स पी ए क्यू एंड पी बी क्यू आर शोन। आर्क पी ए क्यू इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ पी, वाइल आर्क पी बी क्यू इज ए सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन पी क्यू डायमीटर विद सेंटर एम। इफ ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, शो दैट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज दिस। ठीक है, 2016 में बोर्ड्स में आया हुआ है। 2016 में जो हमारे बोर्ड्स होते थे वो SA1 SA2 होते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे ये हमारा पेपर में आया था। अब इसको समझो, दो आर्क्स बनी हुई है, देखो एक आर्क है ये पी ए क्यू, ए हमारा यहां पर है, दिस इज ए। ठीक है, ये एक आर्क है पी ए क्यू, दूसरी आर्क है दिस पी बी क्यू। ठीक है, आर्क पी ए क्यू इज ए पार्ट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, मतलब इस पी ए क्यू का जो सेंटर है दैट इज ओ। ठीक है, एंड रेडियस ओ पी। ठीक है, वाइल जो ये आर्क है पी बी क्यू, पी बी क्यू एक सेमी सर्कल पे बनी हुई है जिसका डायामीटर है पी क्यू, पी क्यू के ऊपर ये सेमी सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू हमें गिविन है, ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओपी मतलब इसका रेडियस, ये इसका आर हो गया। ठीक है, दिस इज आर, और इसका जो आर होगा दैट इज ये आर वन ले लेते हैं और ये ले लेते हैं आर टू, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और हमें इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है कि इतना आएगा, इसको प्रूव करना है। अब क्या करोगे इसमें? इसका एरिया निकालना है तुम्हें, तो सोचने बस यही सोचना है कि तुम्हें क्या। तो भाई अगर हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं, ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड कर दें और माइनस कर दें एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब हमने सेमी सर्कल के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड करा तो इस पूरे का एरिया आ गया। इस पूरे में से फिर हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ना बात, करना क्या है इसके अंदर? ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो चलो अब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या है ये पी बी क्यू एम, इसका हमें निकालना है। ठीक है, पी बी क्यू एम क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, और इसका जो आर है वो आर टू है, हाफ पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, हाफ पाई की वैल्यू अभी हम कुछ नहीं पुट करें बिकॉज पाई की फॉर्म में आंसर है। ठीक है, पाई आर कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 25π/2। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, देखो ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्विलेटरल, तो शो कर देना टीचर को सो दैट उन्हें पता चल जाएगी भाई हाँ बच्चा अपने आप कर रहा है। ठीक है, क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 और साइड कितनी है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना आ गया, 100/4, 25√3 आ गया ये हमारा आंसर।
25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी ए क्यू, ठीक है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, इसमें आर कौन सा होगा, 1 पाई आर 1 स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, थीटा कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई, और आर 1 कितना है, 10, 10 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा आ गया कैंसिल होके 6, तो 10 अपॉन 100 अपॉन 6 मतलब कि 50 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया 50 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू क्या बोला था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यही बोला था ना, बस इनकी वैल्यू हमें डालनी है। यहां पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है, 25 पाई बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास 25 पाई बाय 2 प्लस 25√3 माइनस 50 अपॉन 3 पाई। ठीक है, और इसको तुमने सॉल्व कर देना है, तो 25 पाई बाय 2 माइनस 50 पाई बाय 3, ठीक है, प्लस 25√3, ये 2 है हमारे पास। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 6 ये आ गया 75 पाई माइनस 100 पाई दैट इज प्लस 25√3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया माइनस 25 पाई अपॉन 6 प्लस 25√3, देन 25√3 माइनस 25 पाई अपॉन 6, और इसमें हमने कॉमन ले लेना है 25, 25 ब्रैकेट में आ गया √3 माइनस पाई बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, देखिए यही है हमारा आंसर, 25√3 माइनस पाई बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको बार बार समझाया कि पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर ईच एंड विद सेंटर पी क्यू आर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इन एरिया ऑफ शेडेड रीजन को निकालें, देखो आर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हमें कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है, कुछ भी नहीं गिवन, इसको ले लेते हैं थीटा 1, दिस इज थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 3। ठीक है, और तीनों सेक्टर्स का एरिया निकालना है। देखो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो भाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितना हो जाएगा, नेचुरली 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एएसपी से। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमें। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखने में ऐसा लग रहा है कि टफ है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर और ये भी एरिया ऑफ सेक्टर, तीनों का सम निकालना है हमने। ठीक है, तो थीटा 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है,
अब क्या करना है हमने भाई, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री। ठीक है, अब तुम इसके अंदर वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7, आर कितना है 14 इंटू 14 अपॉन 360, और थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री कितना आया था 180। ठीक है, 180 से कैंसिल हो गया, 2 2 से ये 7, 7 से ये कैंसिल, तो हमारे पास 22 इंटू 14 कितना आ जाएगा, 22 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इजी है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, टू सर्कुलर पीसेस ऑफ इक्वल रेडियाई एंड मैक्सिमम एरियाज टचिंग ईच अदर आर कट आउट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशंस 14 इंटू 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड। ये हमें एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड दिया हुआ है, इसकी नेमिंग कर देते हैं, दैट इज ए बी सी डी। ठीक है, और इसमें से हमें क्या बोला कि टू सर्कुलर पीसेज ऑफ इक्वल रेडियाई एंड मैक्सिमम एरिया टचिंग ईच अदर आर कट आउट, इस पोर्शन को हमने कट आउट कर दिया, ये वाला भी और ये वाला भी, और रिमेनिंग कार्डबोर्ड मतलब ये जो पोर्शन है दिस वन, ठीक है, इसका एरिया हमें निकालना है। दिस वन, इसका एरिया हमें निकालना है, समझ आ गई ना बात, ये जो मैंने शेडेड किया है इसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर गिवन है, ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो रेडियाई है, डायामीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो भाई रेडियाई कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। तो देखो आर आ गया तुम्हारे पास 7/2 सेंटीमीटर, अब तुमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एल इंटू बी माइनस ट्वाइस इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ कितनी हमें गिवन है, लेंथ हमें गिवन है 14 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 14 इंटू 7 हो गया हमारा 98, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 माइनस 77, मतलब ये आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, इस तरीके से हम सारे एक एक करके करेंगे, सारे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस और डिफरेंट सैंपल पेपर्स। आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें आकर। ठीक है, चलिए अब कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।